हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज का लेक्चर नंबर 23 है एंड इस लेक्चर के अंदर हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज uh, को कवर अप करेंगे ओके सो बिफोर गोइंग इनटू द एमसीक्यूज गाइस ये भी जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर जो ई पी एफ के हैं उसके पी फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यू कैन गो थ्रू इट एंड अगर आप एम कॉम्बो कोर्स ले रहे हैं जिसके ऊपर फिफ्टी ऑफ चल रहा है यूपीएससी पी एफ ओ अगर आप code use करते हो ओके, okay. so और और के के तो आपको ऑफ आप देख सकते हो एंड डेफिनेटली दिस इज द कोर्स जो लास्ट के डेज में आपको काफी हेल्प करने वाला है क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे पहला क्वेश्चन है जी ये एक एक्सरसाइज होती है जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास तो हर साल होती है और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दूसरी फॉर्म के अंदर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि युद्ध अभ्यास जो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्रीज के बीच में रहती है तो उसके अंदर इंडिया एंड यूएस जो है वो आंसर रहेगा या फिर दूसरे तरीके से वो ये पूछ लेता है कि इंडिया की युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ होती है तो नीचे ऑप्शन में

कोई हाइयर कोर्ट है नहीं ना जिसके पास आप पिटिशन लेकर के जा सको तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं दूसरा रिव्यू पिटिशन कैन ओनली बी फाइल्ड आफ्टर वन ईयर ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जजमेंट अनाउंस कर दी उसके एक साल बाद ही जो पर्सन है वो रिव्यू पिटिशन जो है आ, फाइल कर सकते हैं उसके बाद जी सेम जजेज हु पास द ओरिजिनल वर्डिक्ट आल्सो हियर द रिव्यू पिटीशन कि जिन्होंने ओरिजिनल वर्डिक्ट अनाउंस किया था वो सेम जज ही जो है वो आपका रिव्यू पिटीशन को भी सुनेंगे आपको बताना करेक्ट कौन सा है वन टू टू थ्री वन थ्री वन टू थ्री तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी देखो आर्टिकल 137 बिल्कुल करेक्ट है ठीक है जी 137 वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और जनरली कोशिश ये की जाती है वो जजेस रिटायर हो जाएं कि जिन्होंने ओरिजिनल वो दिया था वही रिव्यू पिटिशन को भी हेयर करेंगे तो आंसर यहाँ पर सी होगा आपका वन थ्री सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है ठीक है जी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो फाइनल एंड बाइंडिंग है और वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है बट क्योंकि फ्यूचर केसेस के अंदर कई बार देयर कैन बी अ चेंज इन स्टैंड तो आर्टिकल 137 में रिव्यू किया जा सकता है ओके okay जी नाउ ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल 137 है ये रिव्यू पिटीशन का पूरे का पूरा एक बैकग्राउंड फॉर्म करता है अब इसका प्रोसीजर क्या है रिव्यू पिटीशन 30 डेज के अंदर फाइल करनी है प्रोक्योरमेंट प्रनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट में क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि एक साल के बाद ही आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो ऐसा नहीं है रिव्यू पिटिशन आपको जो ओरिजिनल जजमेंट आ गई है उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर उसको जो है आपको रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी रिव्यू पिटीशन आर हर्ड थ्रू सर्कुलेशन ऑफ जजेस इन देयर चैम्बर्स ठीक है डेथ पेनल्टी के केस के अलावा जो रिव्यू पिटिशंस हैं आप चैम्बर के अंदर जजेस को सर्कुलेट करके एंड वो सारा टेक्निकल पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दे आर नॉट यूजली हर्ड इन ओपन कोर्ट ओपन कोर्ट हियरिंग्स नहीं होती है एंड इसके अंदर जो लॉयर्स होते हैं रिव्यू पिटिशन के अंदर वो सारे रिटर्न सबमिशन में अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ऑरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं एंड जो सेम जजेस हैं वो भी ओरिजिनल जिन्होंने ओरिजिनल वर्डिक दिया था वो भी आपके रिव्यू पिटिशन को हेयर कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उनको हटाना ही हटाना ओके चेंज भी किए जा सकते हैं सर्कुलेशन के थ्रू बट सेम भी रखे जा सकते हैं थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू साइट्स ओके पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द स्पीशीज सर्वाइवल अच्छा जी दूसरा कहता है कि साइट्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 या जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस 2022 भी बोला गया वो इंडिया में हुआ था तीसरा कहता है कि इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है साइट्स का आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है गलत कौन सा है स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट बताना है ये करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा खेलता है एग्जामिनर यूपीएससी के अंदर तो इसमें बिल्कुल सावधान आपने रहना है करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के ट्रेड को बेसिकली रेगुलेट uh, करता है ताकि स्पीशीज uh, थ्रेटन ना हो ओके okay? बाकी दो स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं देखते हैं इसका आंसर तो साइट्स जिसको हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा बोलते हैं सो बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स के ट्रेड को रेगुलेट करता है सी ओ की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पनामा के अंदर हुआ है ठीक है ये करेंटली टेकिंग प्लेस हटा दो क्योंकि ये uh, हो चुका है ऑलरेडी सो पनामा के अंदर हुआ है एंड इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी बेसिकली बोला जाता है ओके एंड बेसिकली यहाँ पर एक रिपोर्ट भी लॉन्च लौ, uh, की गई थी ड्यूरिंग दिस साइट सी ओ पी नाइनटीन जिसके अंदर ग्लोबल ट्रेड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ओके नाउ ट्रेड इन द साइट्स स्टेड स्पीशीज कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ कंजर्वेशन इम्पैक्ट ये रिपोर्ट में लिखा गया कि जो स्पीशीज स्पेसिफिकली हाईलाइटेड हैं, जो साइट्स के वेरियस अपेंडिक्स में अगर उनके अंदर ट्रेड को रेगुलेट ना किया गया तो कंजर्वेशन के ऊपर काफी वो रिस्की हो सकता है और इंडिया ने भी एक प्रपोजल यहाँ पर रखा कि जो फ्रेश वाटर रिप्टाइल्स हैं या जिनको आप रेड क्राउन रूफ टर्टल बोलते हो उनको भी साइट्स के अंदर इंक्लूड किया जाए टर्टल्स जो हैं इंडिया और बांग्लादेश के नेटिव्स हैं और हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के अंदर हैं इंडिया ने साथ ही साथ टर्टल को अपेंडिक्स वन में डालने का जो है वो भी प्रपोजल रखा अब अगर हम बात करें अपेंडिक्सिस की जो अपेंडाइसिस की जो साइट्स के अंदर है अपेंडिक्स वन ये जो स्पीशीज हैं विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन जो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल रिस्क के ऊपर हैं सेकेंड ये वो स्पीशीज हैं जो अभी एक्सटिंक्शन के तरफ तो नहीं पहुंची हैं बट इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है ताकि अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्शन की तरफ वो ने, उस स्टेज के ऊपर जाए ना और अपेंडिक्स थर्ड की अगर हम बात करें आ, ये बेसिकली वो स्पीशीज हैं जब कोई स्पेसिफिक कंट्री जैसे इंडिया अगर चाहता है कि हाँ भी हम एक पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर प्लांट से रिलेटेड ट्रेड को रेगुलेट करें तो वो कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है फोर्थ क्वेश्चन कंसिडर द फॉइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नार्कोटेक्ट नार्कोटेस्ट बड़ा न्यूज में रहता है अभी आजकल भी नार्कोटेस्ट न्यूज में चल रहा है आप सब वो जो रेस्लर्स वाला इशू चल रहा है रेसलर्स uh, uh, जो कंटिन्यूसली uh, स्ट्राइक के ऊपर हैं अभी रिसेंटली वो हरिद्वार uh, भी पहुंच गए थे गंगा में अपने मेडल्स uh, को बहाने uh, के लिए बट अल्टीमेटली uh, उनकी भी एक वो डिमांड रख रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराया जाए जो पर्सन इन क्वेश्चन है जिनके ऊपर वो चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं कि उनका आप नार्को टेस्ट कराओ तो नार्को टेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है

स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग नार्को टेस्ट आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट इन एनी किसी भी भी में टेस्ट में टेस्ट अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती भी है पुलिस तो उसको आप कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रखोगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहले दो फर्स्ट एंड थ्री टू एंड थ्री वन टू थ्री करेक्ट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन ए वन एंड टू ठीक है थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत क्यों हो गया यहाँ पर इन एनी सर्कमस्टांसिस जो वर्ड आ गया ना उसने थोड़ी सी गड़बड़ की है यहाँ पर तो सोल्यूशन देखते हैं नार्को टेस्ट की अगर हम बात करें तो सोडियम पेंटोथेल को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर जिससे वो एक सेडेशन मतलब कम्प्लीटली बेहोश नहीं होगा एक तरीके से हिप्नोटिक स्टेज के अंदर वो आ जाते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है जो एक्यूज है ना उसकी इमेजिनेशन न्यूट्रलाइज हो जाती है बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको कुछ झूठ बोलना है तो अगर आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा और आप उसका सच नहीं बताना चाहते आप उसके लिए झूठ बोलना चाहते हो आप उस बात को छुपाना चाहते हो तो आपका ब्रेन इमेजिनेशन के अंदर जाता है तभी तो आप झूठ बोलते हो ना जो सामने वाले का सवाल है उसके अंदर उस सवाल के जवाब को आप इमेजिन करते हो ठीक है ट्रुथ से अलग चीज को इमेजिन करते हो कि ऐसा नहीं हुआ था ऐसा हुआ होगा मैं ये बोल देता हूं इसको तो ये जो पर्टिकुलर ड्रग है ना इससे क्या होगा इससे जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ना उसकी इमेजिनेशन न्यूट्रलाइज हो जाती है और क्योंकि वो अब इमेजिन नहीं कर पाएगा तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा ठीक है और इसीलिए इट इज बिलीव्ड कि जो अब वो बोलेगा दैट विल बी ट्रू ओके okay. और सोडियम पेंटोटल या सोडियम थायो जिनको यूज किया जाता है ये काफी फास्ट एक्टिंग होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक का, का काम करते हैं सर्जरीज के टाइम पर भी इनको यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जी ये जो भी एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ये आप तब तक नहीं कंडक्ट कर सकते जब तक जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके आप ये ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हो वो कंसेंट नहीं देता ठीक है तो उसका कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अब जनरली तो स्टेटमेंट्स जो होती है नार्को एनालिसिस में वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं ये केस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वहां पर कोर्ट परमिट कर भी सकता है उसको एडमिसिबल बना भी सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री रिसेंटली इंटेंड्स टू सेंड मंकी इनटू स्पेस टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन जीरो ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी में रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए बंदरों को स्पेस में भेजा जाएगा और ये काम करेगा चाइना आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस एन एम एफ टी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं पहला कहता है कि ये इंडियन uh, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और अल्टीमेटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो अक्सर न्यूज में आपको देखने को मिलती है वो इसी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की एक देन है

ओके, okay. सो so, इसके अंदर जो आपका नहीं थान एटी नाइन के अंदर हो गई थी फाउंडेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की और एनएमएफ टी बाद में बनाए और एफ ए टी एफ जो है इंटरनेशनल बॉडी है जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करता है और पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रांस ने होस्ट की थी और दो वाली जो होस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया ने की थी उसके अलावा अगर हम एनएमएफटी 2022 की बात करें तो इंडिया ने 2022 के कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था और कोई भी टेरर आउटफिट इसके अंदर ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था तो करेक्ट आंसर इस केस में आपका दोस्तों देखो अब आंसर हमने देख लिया ना तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया तो

दूसरा संतल संग्राम 1883 में इसकी फाउंडेशन इन्होंने की ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में आपस में आपस जो है भाईचारा बढ़ाया जा सके ही स्टार्टेड भगत संप्रदाय सेक्ट इन 1908 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है गोविंद गुरु के बारे में पढ़ते हैं तो नोमेडिक कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर बंसवारा रीजन राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती की टीचिंग से इन्फ्लुएंस थे और सोशल रिलीजियस अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते थे स्पेशली भिल कम्युनिटी के लोगों के लिए संप सभा फाउंडेशन की संपर्क में ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज में भाईचारा बढ़ाया जा सके भिल कम्युनिटी में एक चीज यहाँ पर देखी गई थी उस समय पर गोविंद गुरु ने ऑब्जर्व की कि ये हमेशा ना कर्जे में ही रहते थे और जनरेशन टू जनरेशन भिल कम्युनिटी के जो लोग हैं दे वर ऑलवेज इन डेट ठीक है बॉन्डेड लेबरर के फॉर्म में काम कर रहे हैं अपर कम्युनिटीज के केस में और इसका जो इन्होंने गोविंद गुरु ने रीजन जो इनको प्राइमरी रीजन लगा वो एक तो जो सोशल सेटअप है कि आप ट्राइबल्स को बुरे तरीके से ट्रीट कर हो और दूसरा था शराब ठीक है और गोविंद गुरु ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि इसके साथ लड़ना बहुत जरूरी है और भगत संप्रदाय सेक्ट भी इन्होंने 1908 में उसकी फाउंडेशन इन्होंने की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी मंडेला अवार्ड के ऊपर है पहला की जॉइंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका की सरकार इसको देती है दूसरा गिवन टू पर्सनैलिटीज फॉरवर्ड द लेगेसीज ऑफ गांधी एंड मंडेला एंड मेड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पीस तीसरा ओनली सिटीजन फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर एलिजिबल टू दिस अवार्ड देखो थर्ड स्टेटमेंट देखने में ही गलत सी लग जाती है कि सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका वालों को देंगे ठीक है गांधी जी और मंडेला तो पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलने की बात करते थे तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट तो देख के पता चल जाता है कि गलत होगा ठीक है तो आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी टू ओनली ठीक है टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर सो गांधी uh, मंडेला अवार्ड न्यूज में क्यों था क्योंकि 2022 के अंदर ये अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को जो आपके फोर्टीन दलाई लामा है उनको ये अवार्ड दिया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन ये बेसिकली एक न्यू दिल्ली की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2019 में बनाया गया था एंड uh, ये फाउंडेशन इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी के अंडर काम करती है तो साउथ अफ्रीका और इंडिया गवर्नमेंट जॉइंटली नहीं दे रहे हैं इसको ओके एंड अवार्ड जो है एग्जेपले वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ द हेड ऑफ़ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड जो है वो दिया जाता है तो वेरियस एरियाज के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है जैसे पीस सोशल वेलफेयर कल्चर एनवायरमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर स्पोर्ट्स इनोवेशन सब आ जाते हैं अब आ देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था क्वेश्चन के अंदर था आपका कि द अवार्ड इज गिवन टू पर्सनलिटीज हुड फॉरवर्ड द लेकेजीज ऑफ इंडियन ऑफ गांधी एंड मंडेला एंड मेड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पीस तो आप कहोगे कि सर ये स्टेटमेंट गलत क्यों नहीं हुआ क्योंकि पीस फील्ड के अलावा भी तो और था पर यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि ओनली इन द फील्ड ऑफ पीस ठीक है इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है पीस भी तो वन ऑफ द क्राइटेरिया है ना जिसके अंदर अवार्ड दिया जा रहा है इसीलिए आपका आंसर पर बी है कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकती थी कि भाई बी आंसर क्यों हुआ और कोई भी कंट्री अपने नॉमिनेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा जी पहला कहता है कि इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव ताकि सपोर्ट किया जा सके जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो रही है आर्टिफिशियल के के इंडिया ने 2020 में फोरम को ज्वाइन किया एज अ फाउंडिंग में तीसरा है इंडिया विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम इन द ईयर ट्वेंटी तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली तो अगर हम इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ये ए डेवलपमेंट की बात कर रहा है और ए डेवलपमेंट को सपोर्ट करने की बात कर रहा है उसको प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहा है जो भी लाइक माइंडेड माइंड्स हैं एक्सपर्ट्स हैं साइंस की फील्ड में इंडस्ट्री में सिविल सोसाइटी में गवर्नमेंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उनको सबको साथ में लेकर के आने की बात कर रहा है 2020 में लॉन्च किया गया था 15 मेंबर्स के uh, साथ एंड बेसिकली जी सेवन जो कंट्रीज हैं उनका ये आइडिया था आज की डेट में इसके 25 मेंबर्स हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने आपको याद करने की जरूरत नहीं है नाम बस ध्यान से एक देख लेना कि इसके अंदर इंडिया है और एक नाम जो वो बार बार देख पूछने की कोशिश करता है कि भाई चाइना है पाकिस्तान है या नहीं है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन कंट्रीज के अंदर आपको चाइना का नाम नहीं दिखेगा ना ही पाकिस्तान का नाम दिखेगा ठीक है और इंडिया ने 2020 में ही इसको एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया था टेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द टर्म फ्रेंड श्योरिंग फ्रेंड शोरिंग एक टर्म था रिसेंटली न्यूज में देखा गया तो यहां पर आपके पास ऑप्शन हैं कि रिलोकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अ लोअर कॉस्ट लोकेशन इन साइड द नेशनल बॉर्डर्स कि भैया आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर रहे हो अपने देश के अंदर ही आप फॉर एग्जाम्पल पहले राजस्थान में थी आपकी कंपनी अब आपने बॉम्बे में बना ली दूसरा इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग अ बिजनेस ऑपरेशन दैट वॉज मूव्ड ओवरसीज बैक टू द कंट्री फ्रॉम विच इट वॉज ओरिजिनली रिलोकेटेड ओके अ बिजनेस ऑपरेशन दैट वॉज मूवड ओवरसीज बैक टू द कंट्री कि भाई पहले आपका इंडिया में था फिर आप उसको चाइना में ले गए और फिर अब आप चाइना से दोबारा से उसको रीलोकेट करके इंडिया में ले आए थर्ड प्रैक्टिस ऑफ रीलोकेटिंग सप्लाई टू कंट्रीज वेयर द रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन पर पॉलिटिकल टर्मोइल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम का जो रिस्क है वो काफी कम है वहां पर आप रीलोकेट कर रहे हो डी इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग अ बिजनेस ऑपरेशन टू अ नियर बाय कंट्री स्पेशली इन प्रेफरेंस टू अ मोर डिस्टेंट वन कि आसपास के देश में ही आप रिलोकेट कर रहे हो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर वाली कंट्री है तो फ्रेंड शोरिंग होता है आपका ऑप्शन सी बेसिकली फ्रेंड शोरिंग के अंदर आप ऐसी जगह पे अपनी सप्लाई चेन या प्रोडक्शन को लेकर के जा रहे हो जहां पर पोलिटिकल के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बहुत कम चांसेस हैं सिविल अनरेस्ट टाइप चीजें होने के बहुत कम चांसेस हैं ओके okay? तो फ्रेंड शोरिंग जो एक टर्म है बेसिकली आप ये जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर री शोरिंग ऑन शोरिंग ऑफ शोरिंग नियर शोरिंग इस टाइप की टर्म्स जो हैं वो सुनते हो तो इनका मतलब एक एक करके समझ लेते हैं तो फ्रेंट शोरिंग क्या हो गया जहां पर रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन बहुत लो है पॉलिटिकल के, के चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पर यार पॉलिटिकली पंगे नहीं होंगे कोई ऐसा नहीं है कि अब जैसे श्रीलंका का हाल हो गया कि भाई सरकार ही नहीं बची वहां पर सिविल अनरेस्ट हो गया तो आप ऐसी कंट्री को नहीं चुनोगे आप ऐसी कंट्री चुनोगे जहां पर सिविल अनरेस्ट के चांस ही बहुत लो हैं छोटी कोई कंट्री जो है मॉरिशियस को आपने पकड़ लिया कि भाई सिविल अनरेस्ट के चांसेस बहुत कम है उसको बोलते हैं फ्रेंट शोरिंग रीशोरिंग क्या होता है कि आप पहले एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले गए थे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप इंडिया से पहले चाइना में चले गए कि यार चाइना में सस्ता पड़ता है प्रोडक्शन लेकिन बाद में आपको लगा कि चाइना में और कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए आप वापस इंडिया में आ गए अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्री उठाकर उसको बोलते हैं री शोरिंग ऑन शोरिंग क्या होता है जहां पर आप लोअर कॉस्ट लोकेशन के अंदर जाते हो ठीक है ऑन शोरिंग इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रीलोकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अ लोअर कॉस्ट लोकेशन इन नेशनल बॉर्डर्स अपने देश के अंदर ही क्या आपको लगा यार अब जैसे सरकार खुद प्रमोट करती है कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडस्ट्री सेट करो नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्लांट लगाओ कि वो सस्ता पड़ेगा आपको तो वो हो गया ऑन शोरिंग ऑफ शोरिंग अब इसके अंदर आप कंट्री चेंज कर रहे हो ठीक है आप कंट्री चेंज कर रहे हो इंटेंशन क्या है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अपना कम कर पाओ अब जैसे देखो आपने बहुत सारे अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज की इंडस्ट्रीज चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर क्यों सेटअप हुई एप्पल का भी खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में क्यों उन्होंने लगाया था कि भाई सस्ती है लेबर सस्ती है कॉस्ट ऑफ सेटअप सस्ता है एज कंपेयर टू यूएसए नियर शोरिंग क्या हो गया नियर शोरिंग हो गया बेसिकली जहां पर आप नियर बाय कंट्री के अंदर जा रहे हो कि भाई इंडिया में हो आप इंडिया से आप बांग्लादेश के अंदर ले गए वो आपका नियर शोरिंग हो गया सो फ्रेंड शोरिंग रीशोरिंग ऑन श्योरिंग ऑफ श्योरिंग नियर शोरिंग ईजी टर्म्स है रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं है समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजिली हो जाएगा सो दीज वर द क्विक टाइम क्वेश्चन गाइस एंड पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है एमसीक्यू कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मॉक टेस्ट जो फ्री मॉक टेस्ट हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय